बहादुर हो तो आप जैसा हो, नहीं तो ना हो। लेकिन एक बात बताइए, आप अलादीन के भूत का सामना कैसे करेंगे? भूत नहीं अली साहब, चूहा कहिए, चूहा। चूहा? क्या खूब का है? आप चूहा और वो आपका जिन, मोटा हाथी। आप दिया तो वो आपकी मोटी बाती, आप बुढ़े नाना तो वो आपका प्यारा नाती। क्या बात है बाबा। अली साहब, चूहा वो अलादीन का भूत है, हम नहीं। अब हम उस चूहे को अपने बिल से निकाल कर खुद पकड़ेंगे। वो दो रातों से सोन मीनार जा रहा है, अब हम वहां जाएंगे और उसे अपने हाथों से एक बार फिर उसे एक बार फिर उसे क्या वजीर आ रहा? पूरी बात कहिए ना। बात करने का वक्त खत्म हो चुका, अब काम होगा। और ये बात आप मुझसे राज रखेंगे? वजीर आला, ना एक झगड़ा हुआ, ना दिक्कतें दो तीन आई, अली जफर के बीच में रूहे अलादीन आई। अली साहब, आप इन्हीं अदाओं पे तो कायल हैं, आप रूठ से हैं तो बड़े ही अलग अंदाज में। खैर सुनिए, हम सोन मीनार जाएंगे वो इसलिए क्योंकि मछली को फंसाने के लिए जाल का होना बहुत जरूरी होता है, हमारे पीछे पीछे वो भी आ जाएगा। अब कल हमारे इस चिराग के जिन से तो वो बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। वाह वजीर आला, बदला लेने का अंदाज भी आपका बिल्कुल अलग है। जाइए, उम्मीद करता हूं कि आप अपने काम में कामयाब। अली साहब, आप उम्मीद नहीं, यकीन रखिए हम, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं। आप हमारे साथ चलेंगे, इस बात का मुआयना करने के सोन मीनार को मुकम्मल करने के लिए, और कितना सोना हमें आपसे चाहिए और आपको हमें कितना सोना देना होगा। चलेंगे ना? बेशक। माशाल्लाह, हम जरा इस्तिंजा करके आते हैं। कहानी ने ये कौन सा नया मोड़ ले लिया? दो जिस्म एक जान तो सुना था, पर अली और अलादीन तो एक जिस्म और एक जान है। दोनों एक साथ सोन मीनार कैसे पहुंचेंगे? क्या पर आका, ये सब आप ऐसे? अरे पर क्या क्या सब, ये सब क्या कर रहे हो? कोई तो पूरी बात बोलो। आका, एक ही जगह पर अली और अलादीन का भूत कैसे आ सकते हैं? आका, हमारे पास ताकतें हैं पर बहुत कम, हम तीनों की ताकतें मिलाकर भी हम जीनू का सामना कैसे करेंगे? और इस वक्त वो जंगली भालू, मेरा मतलब आपका प्यारा जीनू बहुत गुस्से में होगा। हमें हर कदम संभल के उठाना पड़ेगा, वरना इतना डर, इतने सवाल, और उससे भी ज्यादा अपने आका की काबिलियत पर शक। न डर, न सवाल, न शक, सिर्फ आपकी फिक्र है आका। जानता हूं, और मैंने पहले से सब कुछ सोच लिया। जफर के साथ अली सोन मीनार जाएगा, और अलादीन का भूत भी। सोन मीनार में? तो फिर
रुको। ठीक, कहाँ जा रही हो? बावर्ची खाने में। बावर्ची खाने? अरे रुखसार बहन, जब देखो तब बावर्ची खाने, बावर्ची खाने। कितना काम करोगी? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। यहाँ बैठो। बैठ जाओ मेरी बहन। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कितनी मेहनत मशक्कत करती हो, किस लिए? अरे हम सब है ना, जब देखो का ये देखो। रुखसार बहन, तुमने हमारी जिंदगी में मिठास घोल दी है। ये जलेबियाँ, ये सिवैयाँ, ये हलवा सब तुम्हारे लिए। खाओ खाओ। हाय अल्लाह, ये सर का दर्द आज मेरी जान ले लेगा। हाय अल्लाह। चाची जान, आप यहाँ जाके मेरे लिए कहवा बना लाइए। चाची, ये सर दर्द तो मेरी जान ले लेगा, मेरे लिए कहवा बना के लाइए। कभी अपने हाथ पैर भी हिलाइए। वो बहू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहवा ले आती हूँ। चुपचाप यहीं बैठो। जी बैठो। रुखसार बहन, इस बिना आलू के समोसे का मतलब है तुम आराम करो। तुम्हें कहवा बनाने की क्या जरूरत है, तुम्हें आराम की जरूरत है ना? और तुम उठो, रुखसार को आराम की सख्त जरूरत है। पर इन्हें आराम की जरूरत नहीं, आराम की जरूरत मुझे। अगर मुझे कहवा नहीं मिला ना तो। अरे तो क्या कर लूंगी। तो तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अलादीन की रूह को वो नहीं मिला जो वो चाहती है, तो वो हम में से एक के जिस्म पे कब्जा कर लेगी और बाकी सबका कत्ल कर देगी, समझी? पर उतर दूंगी तुम्हारे, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तेरा बाप एक कबाड़िया है। और तू भोली नहीं बल्कि अव्वल दर्जे की झूठी है, समझी? इसलिए अलादीन की रूह को खुश करने में तू हमारी मदद करेगी। रुखसार बहन, देखो क्या कह रही है बहू। चाची जान, वो मैं सबके लिए कहवा बना कर ला रही थी, तो पूछना चाहती थी आप पियेंगी ना? प्लीज साहब, सोन मीनार का मुआयना तो बाहर से कर लिया आपने, जरा अंदर चल के भी तो देखें कि इसे मुकम्मल करने के लिए और कितना सोना लगेगा। वजीर आला, मुझे लगा कि आप यहाँ खतरनाक मजेदार खेल खेलने आए, भूत पकड़ने आए, लेकिन आप तो सोन मीनार में अंदर जाके काम की बातों में उलझे हुए हैं। अली साहब, ये हमारी जिंदगी की उलझन नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद है। भूत अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर लेते हैं। बेहतरीन, आइए। मैं खेल को सोन मीनार में आगे बढ़ाऊंगा और टोली वहां शहर में। या अल्लाह, हमारी मदद करना। अलादीन के भूत के बच्चे, तू रोएगा, तड़पेगा, डर के भागेगा, लेकिन मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। दम है तो यहां आके दिखा। रुखसार का काम कर करके एक तो मेरी कमर टूट रही है। तुम्हें जलेबियां खानी है? बस एक ही दिन में तुम्हारी कमर टूट गई? मेरा सोचो, परसों से तुम्हें पाल पाल के मैं पूरा का पूरा टूट चुका हूँ। ये चप्पल जैसी जबान बंद रखो, समझे? क्यों फिर दोस्त चाचा, क्यों फिर दोस्त चाचा? ने पीतल मिलाना बंद किया या नहीं? यह आवाज तो इस मकबरे से आ रही है।
यानी अलादीन का भूत यहाँ पर आ गया है। सारी उम्र तुमने मासूमों को टोपी पहनाई, आज टोपी पहनने की बारी तुम्हारी। आका, आप सबकी पोल खोलते रहिए। अशफाक मियां, अपने भाई की जमीन हड़प के खुश हो? मुस्तफा चाचा, नाजनीन चाची की किस्मत देखो, सारी उम्र लोगों को कीमती कह के कबाड़ बेचती रही, अब जब बेटे के निकाह की बारी आई तो समधी भी कबाड़ी निकले। तुम सबके बीच अपने दिलों में झूठ, कमीनापन और राज छुपाए और भी कई कमीने मक्कार छुपे हुए हैं, जो मासूमों को लूटते हैं, जिन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं उन सब का सच तुम्हें बता सकता हूँ, पर सच पर सिर्फ सच्चाई का हक होता है, तुम जैसों का नहीं। मैं बेकसूर था, फिर भी मुझे दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया और तुम सब तमाशा देखते रहे, मुझे कोसते रहे, मेरी अम्मी को पत्थर और ताने मारते रहे, तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम सबको सजा दूंगा। लाडले, तरकीब की चादर में दिक्कत की एक भी सलवट नहीं आई। किसी की भी आवाज सुन के उसकी नकल करने वाली मेरी इजाद, तू मेरे बहुत काम आई। और खेल के अगले पड़ाव में ये मेरे काम आएगी। बुलबुल चाचा, अंगूठी छाप। बुलबुल चाचा, मैं चला। बेहतरीन वजीर आला, बेहतरीन। मतलब मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, बहुत कुछ देखा, लेकिन आप जैसा शैतान मेजबान नहीं देखा वजीर आला। सोन मीनार में हैल जैसा माहौल बांध दिया, क्या बात है। अली साहब, हम अपने दोस्त के लिए वक्त को बांध लें। माहौल क्या चीज है। अंगूठी छाप, दिन से रात हो गई और तुम अब आ रहे हो, मुझे लगा तुम कुछ हो गया। मेरी इतनी फिक्र। मैं भी आ गया, बुलबुल चाचा का इजाद भी आ गया, और तुम लोगों का तोहफा भी। तोहफा? चले भी। बुलबुल, ये
ये हमारा सुबन मीनार है, कोई बाग या बागीचा नहीं कि आप तफरी करने निकल पड़े। वजीर आला, मैं आपकी दावत में खलल डालने के लिए आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी है वजीर आला। आज लोगों को बगदाद के बाजार में भाई मेरे भाई अलादीन का भूत दिखा। उसने ना सिर्फ सबको धमकाया बल्कि अपने मकबरे की दीवार भी आधी तोड़ दी। पूरे शहर में दहशत का माहौल है वजीर आला। वजीर आला, आपने कहा था कि आप उस भूत का सामना करेंगे, इसलिए मैं फौरन ये खबर आपको देने यहाँ चला आया। वजीर आला जल्दी चलिए, भाई मेरे भाई अलादीन का भूत अभी भी वहीं कहीं होगा। उल्लू? हाँ? मेरा मतलब है गुल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा है वजीर आला। इससे पहले कि दुश्मन अपनी अगली चाल चले, हमें उस पर जाकर हमला कर देना चाहिए। कौन मीनार चलो, शहर चलो, हमला करो, बस करो। ऐसा कोई और कहता लेकिन हम नहीं कहेंगे। तो आप चलेंगे ना? सुनो, फिलहाल तो तुम जाके सिपाहियों का पहरा बढ़ा दो। समझ में आई तुम्हारी बात? आप कब आएंगे? आएंगे, हम आएंगे, यहाँ का काम खत्म करके फिर हम आएंगे। आदाब। वजीरे आला, आपको नहीं लगता कि आपकी आवाम को आपकी जरूरत है? अगर आप वहां जाएंगे तो बगदाद के लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। नहीं, हमारे इस वक्त वहां होने से आवाम की हिम्मत नहीं बल्कि अलादीन के उस भूत की हिम्मत बढ़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि अली साहब, अलादीन का भूत चाहता है कि हम उसके साथ खेल खेलें। वो एक चाल चले फिर उसके बाद हम दूसरी चाल चलें, तो वो तीसरी, तो हम चौथी, पांचवी, छठी। वो खबीस खेल खेलना चाहता है, लेकिन अगर हम चाल ही ना चलें तो खेल ही खत्म। पर वजीरे आला, हम सोन मीनार भी तो यही सोच कर आए थे कि अलादीन का भूत हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। वो आया तो नहीं ना, हम यहाँ हैं और वो पहुंच गया शहर। अली साहब, हमें तो लगता है वो चूहा हमसे डर गया। डरे हुए दुश्मन को हम और नहीं डराएंगे बल्कि हमारे चिराग के जिन से खत्म कर देंगे। चिराग के जिन, चिराग के जिन, हमें इस बात का इल्म हुआ है कि अलादीन का भूत उसके मकबरे के आसपास देखा गया है। मकबरे के? हम चाहते हैं कि तुम उस अलादीन के भूत का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दो। क्या सोच रहे हो हमारे जिगर के छल्ले? अम्मो आका, मैं ये सोच रहा हूँ आज अगर उस अलादीन का भूत मेरे हाथ लग गया तो मैं उसका क्या हाल करूंगा। बदरीन, प्यार जहर है, जिन कहर है। चाचा जिनी विनी तैयार? जी साहब, आप फिक्र ना करें, खाना खाइए आप। शुक्र है वो भूत हमारे पीछे पीछे शहर चला गया। आवाम डरती रहे, मरती रहे, हमें इससे क्या? हमें तो सिर्फ अपनी फिक्र करनी है और आगे का काम चिराग का जिन संभालेगा। जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना, आज हम मिलकर बनाए कोई मिसाल, बुझ जाए वहम से सोन मीनार की सारी मशाल।
अंधेरा क्यों हो गया? अंधेरा हुआ है क्यों? क्या अंधेरा हुआ है? मुझे डर लग रहा है। मुझे बचाइए वजीर आला, मुझे बचाइए। अरे आप हमें मतलब अपने आप को संभालिए। आप घबराइए मत, दरअसल हवा से मशाले बुझ गए होंगे। ये आवाज है कैसी वजीर आला? देखिए अली साहब, हम यहाँ रेगिस्तान में हैं, शहर से कोसों मील दूर, जाहिर सी बात है ऐसी आवाज यहाँ आएंगी। वजीर आला, अलादीन का भूत तो नहीं आ गया? बगदाद में है वो, बगदाद में है वो, यहाँ कैसे आ जाएगा? अरे वजीर आला, वो आपकी तरह इंसान है, मेरे तो इंसान थोड़ी ना है, वो तो भूत है, वो तो जब चाहे कहीं से कहीं भी आ सकता है ना। वजीर आला, क्या हुआ? देखिए तो खून। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।